हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आए जी ब्लोफिश और ये यहाँ पे है वाल्टन रोड ही है ये एग्जैक्ट आपको एड्रेस समझाएंगे भाई। सदर कैंट से जब हम वाल्टन रोड की साइड पे आते हैं तो स्टार्ट में ही आ जाता है ये लेफ्ट साइड पे, इसके बिल्कुल अपोजिट गोरमे है और हबीब मेट्रो बैंक है, बिल्कुल अपोजिट इसके बिल्कुल सामने है। और सुनने में आया कि इनकी जो फ़िश है ना वो बहुत कमाल की है, तो हम अंदर जाके भी फ़िश ऑर्डर करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वीडियो के अंदर किस तरह वो तैयार कर रहे हैं। बाकी आ जाए। अच्छा, इनकी जो बेसिकली मेजर जो इनकी सबसे फेमस चीज़ है वो इनकी बारबेक्यू फ़िश है, ग्रिल्ड फिश जो है, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ साथ इन्होंने बारबेक्यू भी सारा स्टार्ट कर दिया, मलाई बोटी नेबलेट्स वगैरह हर चीज़ है। और इनकी सजी भी बहुत लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग इनकी सजी को भी ट्राई कर रहे हैं। अब देखें आपके सामने ही है कितना क्वान्टिटी में ये लगी हुई है। उसके अलावा इन्होंने साथ चप्पल कबाब भी शुरू किए, वो अगला सेक्शन है। देन साथ इन्होंने मिंट मार्गरेटा, ये भी हमारी, हमने ऑर्डर दिया नहीं है अभी, हमारी जब ऑर्डर देंगे तो फिश लगेगी यहाँ पे। ये है मेन्यू भी लगा हुआ है। आओ, ये मेन्यू है। और ये चप्पल कबाब का सेटअप है और ये एंड में मिंट मार्गरेटा है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ऑर्डर आता है आपको? हमारा ज़्यादा स्पेशलिटी फ़िश है माशाल्लाह। इसके अलावा आपकी कोई और ब्रांच है यहाँ पे? एक ही है जी, एक और ब्रांच है जोहर टाउन पे, ये रोड पे, पी आई ए रोड पे, जोहर टाउन पे। ठीक हो गया। तो अंदाजन कितनी को आप एक दिन में फ़िश बना लेते हैं? माशाल्लाह ये कोई 15 से 20 मन माल निकल जाता है। 15 से 20 मन? हाँ जी। ठीक। और सबसे ज़्यादा फ़िश कौन सी सेल होती है, कौन कौन सी आपके पास हैं, किस किस तरह के फिशेज हैं? हमारे पास 7-8 किस्म की फ़िश है, ठीक है। रोहू है, बोनलेस है, उसके बाद है तिलापिया है, पम्फ्रेट है, मुश्का है, ट्राउट है, ये हमारी 7-8 किस्म की फ़िश चलती है हमारी। ठीक हो गया। तो ये 15 साल पहले ओपन हुआ है या उससे भी पुराना है ये? नहीं, ये तकरीबन 15 साल हो गए हमें इसी काम को चलाते हुए। ठीक हो गया। पहले ये लोकेशन आपकी उस साइड पे नहीं थी? जी हम बिल्कुल सामने थे, अभी बस ये इसी सीज़न हमने ये ज़रा जगह चेंज की है, इस जगह शिफ्ट हुआ है, तो ज़रा सेटअप हमारा बढ़ गया था, वो जगह ज़रा हमें थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। अच्छा। इसलिए हमने ज़रा बड़ी जगह पर इधर शिफ्ट हुए। अच्छा जी, हमने फ़िश ऑर्डर किया है 2.5 kg, तो हाफ आप, हम 5 दोस्त हैं तो हाफ आप kg सबकी होगी। तो हमने ऑर्डर किया रो, इनके पास तिलापिया है, ये पता नहीं कौन सी है, मेन्यू ये है, मैं आपको अभी फोकस करके दिखाता हूँ। रो जो है वो है 1800 रुपये किलो। तो बकाया इनके पास है तिलापिया, पम्फ्रेट, मुस्का। अच्छा भाई साहब ने मुझे ठोका और कहा मुस्का, बोनलेस पेबिसिस और ट्राउट इनके पास। तो हम नॉर्मली रोही खाते हैं तो वही हमने ऑर्डर किया, तो इंशाल्लाह जब आ जाए तो आपको खा के बताते हैं। सीटिंग में आपको दिखाता हूँ, इनकी सीटिंग बहुत अच्छी है। और वो उधर नान लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, फ्रेश नान। ये इनका सेटअप है, बहुत मतलब कूल सा सेटअप है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं है। ये भाई साहब हमें आज सर्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है भाई साहब। मेन्यू में और क्या क्या है सर? मलाई बोटी, टिक्का बोटी, बीफ कबाब, बीफ चिकन कबाब और लेग पीस, चेक पीस। तो आप अभी
जो है चप्पल कबाब भी लगा रहे हैं। जब आओ मैंने देखा था तब स्टार्ट नहीं किया कि आज आज स्टार्ट जी आज से स्टार्ट आज से स्टार्ट होना जी। चले जी चप्पल स्टार्ट नहीं हुआ। ये सिटिंग चेक करें बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा लाइटिंग या कैंडल लाइट कह सकते हैं आप इनको। ये हमारा टेबल है बिल्कुल, उन्होंने हमें शीशे के साथ बिल्कुल टेबल दिया क्योंकि ये भाई हमेशा जो है ना कहते मुझे उल्टी आ जाती है तो ये शीशे के साथ बैठते हैं। नान के अंदर जीरा भी डाला हुआ ना जी, जीरा जी दूध नहीं वाला, इसके बाद दूसरा देना, ये भी देखने वाला है। ये भाई रेडी हो गया ना, ये सादा ना है, रोगनी ना तो ये जो लगा रहे हो ये सादा ही है, ये भी रोगनी है, ये सादा ना। अच्छा व्यूज, मुझे अभी एक बात पता चली है कि वो मैनेजर पास मैनेजर के पास हम गए थे तो उनसे हम कह रहे थे कि भाई हमने वीडियो शूट करनी है तो आपकी परमिशन चाहिए, तो वो आगे से उन्होंने बोला था कि आप पैसे भी चार्ज करेंगे, तो मुझे थोड़ी ये बात वियर्ड लगी तो मैंने उन्हें पूछा कि पैसे क्यों। कहते जो पहले यूट्यूबर आते हैं वो बिन बुलाए आते हैं, आगे कहते हैं कि हम आपकी वीडियो बनाएंगे और आपसे पैसे चार्ज करेंगे, और ये जो बात है ये गलत है क्योंकि अगर आपको कोई बुलाए तो आप कहो कि हाँ जी जी हम आएंगे इतने पैसे हम चार्ज करेंगे, ये नहीं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ और जाके बोलो कि हम वीडियो बनाने लगे हैं और आपको पैसे चार्ज करेंगे और एंड में बिल आप दो ही ना, ये गलत बात है। तो लिहाजा अगर आपको कोई बुलाए तो आप जाओ उनको आप बताओ कि भाई हम अगर वीडियो बनाने आएंगे तो ये हमारे चार्जेस हैं, ये हम लेते हैं, ये नहीं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ जाके कहो कि हम वीडियो बना रहे हैं तो ये आप इतने चार्ज करेंगे, ये बात गलत है। लिहाजा प्लीज़ आपको पता क्या कि जी अभी दिया उन्होंने हमें सॉस और समझ नहीं लग रही ये मछली के साथ खानी है या वैसे खानी है, और ये हाँ जी क्या टेस्ट है ये खुबानी तो ये ये बड़ी स्पेशल जो है ना वो मछली के ये एप्रिकॉट सॉस है बहुत, तो ये मछली के साथ नहीं खानी, नहीं ये मछली के पाँव का सूप, मछली के पाँव का मछली के पार नहीं नहीं क्वेश्चन है वे कि इनू मछली के नाल नहीं खाना, मछली के नाल खाना है तो चमचे ना खाई जा रहा है, मजे की है ना यार अच्छी है। अच्छा जी अभी ट्राई करते हैं। हाँ जी ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा समझ लग गई, ठीक है फ्री सॉस है जितनी मर्जी खाओ। मछली के साथ खाऊंगा मैं, और खट्टी मीठी, खट्टी मीठी है एप्रिकॉट सॉस है साथ में, इमली है थोड़ा सा पुदीना डाला हुआ है और ये चिली सॉस है, चिली हमें चिली सॉस नहीं ये चिली फ्लेक्स है, ये देखें जी फिश आ गई हमारी। आई थिंक ये किलो किलो और ये आधा किलो ऐसे ही। हम ये ट्राई करते हैं थोड़ी सी बगैर किसी सॉस के, लेकिन कांटे पहले निकाल लूँ ये ना वो वीडियो के चक्कर में गले में फंस। चलो आई थिंक दिस विल स्पाइसी नहीं इतनी ज़्यादा, मसाला वैसे ही उन्होंने ऊपर से थोड़ा डाला हुआ, मछली को भी लगा हुआ कमाल की है। यार ये बहुत इसके साथ ज़्यादा मजा आ गया, कांटों से बच गए, सॉस के साथ ज़्यादा मज़े की लगी क्योंकि सॉस इनकी बहुत कमाल की है। हमने कुछ साथ में मंगाया नेबलेट्स भी, ये बहुत गर्म है, ये भाई उधर रखना है एक मिनट, थैंक यू। मुझे तो फिश ज़्यादा मज़े की लगी,
मैं ये छोड़ के मैं फिश ही खाऊंगा। फिश ज़्यादा मज़े की। अभी आपको खा के फुल रिव्यू देते हैं। देखिए वीडियो के चक्कर में दो नान आए हैं, पांच बंदे हैं, चारों ने आधा आधा कर लिया, मैं अकेला रह गया। और अभी मुझे इन्होंने एक नवाला दिया, मतलब कि दो नवाले दिए। सॉस के साथ कमाल। फिश का नुकसान ही होता है कि आपको एक एक नवाला देख के खाना पड़ता है। हाय गाइस, फिश जो है वो फिनिश हो गई है, बहुत कमाल की फिश थी। अगर आप उसको सॉस के साथ खाएंगे तो और कमाल की लगेगी। हमने साथ में ऑर्डर किए थे नेबलेट्स, मुझे तो अच्छे नहीं लगे। मुझे भले ठीक थे, नॉर्मल थे, इतना मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आउटस्टैंडिंग थे। आसिफ भाई ने किए थे बाकी। हाँ वो उन्होंने आसिफ भाई ने ट्राई किए थे, बकाया उनसे रिव्यू लेते हैं अभी नेबलेट्स का। बट फिश जो थी ना बहुत कमाल की फिश थी, जो मतलब कि आप शामिल कर लें इनको टॉप क्लास की जो फिश सेलिंग रेस्टोरेंट है ना उनके साथ, तो बहुत कमाल की थी। बाकी रिव्यूज ये खुद ही देंगे। जी जनाब, कैसी थी? ये बहुत आउटस्टैंडिंग थी। अगर आप इसको रेटिंग की बात करें तो मैं 10 में से इसको 9.8 दूंगा। और इसकी जो मेन चीज़ थी ना, जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ थी, वो ये थी कि अंदर तक मैरिनेशन थी और अंदर पानी नहीं था। ठीक है, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग था। मैं वैसे इतना फ़िश लवर हूँ नहीं, मैंने नेबलेट्स मंगवाए थे साथ इसलिए। हाँ बाकी फ़िश अच्छी होती है इनकी, लोग काफ़ी लाइक करते हैं, मुझे भी बड़ी पसंद है वैसे। बट मैं इतना फ़िश लवर हूँ नहीं इसलिए मैं रिव्यूज़ उस तरह से दे नहीं सकता। कौन सा थी इसकी जो सॉस थी उसमें, वो सिर्फ ये नहीं थी कि इमली की सॉस थी, उसमें इमली, एप्रिकॉट सर, और उसको मीठा करने के लिए मुझे बताया ये छुहारे भी इस्तेमाल करते हैं। और जो है क्या नाम है, और जो मिंट मार्गरीटा है आसिफ भाई पी गई है मेरा, और जो है ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।